Continue with chapter journal. In this video, we are going to discuss the last topic of this chapter, that is opening entry. Question start करने से पहले opening entry के बारे में discuss करते हैं कि इस topic में क्या points cover होते हैं. It is a journal entry by means of which the balances of the various assets, liabilities and capital appearing in the previous year balance sheet are brought forward in the books of the current accounting year. इसमें हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं जिससे जो पिछले साल के बैलेंसेस होंगे वेदर एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल उसको हम करंट अकाउंटिंग ईयर में फॉरवर्ड करते हैं. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. जैसे हम सबको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और ख़त्म होता है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर. अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ है तो आफ्टर 12 मंथ्स ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2020. सो 2020 में हमारा ये ईयर ख़त्म हो गया. सो इस टाइम जो हमारे पास बैलेंसेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस. इसके बाद हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 में. सो जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज़ ऑन 31 मार्च, दे विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल. क्लियर? ओपनिंग एंट्री इज पास इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनली. अगर आपका कोई बिजनेस है वो पहले से ही रन हो रहा है तो उसी केस में हम बैलेंसेस फॉरवर्ड करते हैं. जो न्यू कंपनी होगी, जो अभी अभी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका तो कोई बैलेंस होगा ही नहीं. सो ओपनिंग एंट्री सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऑलरेडी रन हो रहे हैं बिजनेस, उसी केस में पॉसिबल होता है. दिस एंट्री इज पास्ड बाय डेबिटिंग ऑल दी एसेट्स एंड क्रेडिटिंग ऑल दी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. सो इसमें जितने भी एसेट्स होते हैं उसको हम डेबिट लिख लेते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज और कैपिटल होंगी उनका क्रेडिट बैलेंस हो जाता है. इफ द कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड एज फॉलोज. अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल नहीं गिवन तो आप ओपनिंग एंट्री की हेल्प के साथ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे हमने पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. आपको एसेट के बैलेंस गिवन है, आपको लाइबिलिटीज की बैलेंस गिवन है. वी कैन कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ कैपिटल? यस वी कैन. सो कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. सो जितने भी एसेट्स हैं मतलब जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं उसमें से लाइबिलिटी मतलब जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं इनमें अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे तो दैट विल रिप्रेजेंट यूर बैलेंस ऑफ कैपिटल. सो ओपनिंग एंट्री कैसे डालेंगे? जितनी भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है जैसे हमने पहले पढ़ा है, जितनी भी लाइबिलिटीज और कैपिटल होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है. अगर क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा है दैट विल रिप्रेजेंट कैपिटल. सेकंड, इन केस कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको एसेट के बैलेंस भी गिवन है, आपको लाइबिलिटीज के बैलेंस भी गिवन है और ऑलरेडी आपको कैपिटल भी गिवन है. द डिफरेंस कम ऑन द डेबिट साइड. अगर डिफरेंस आपका डेबिट साइड आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल. इफ द डिफरेंस कम ऑन द क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व. क्वेश्चन में आपको एसेट्स गिवन है, आपको लाइबिलिटीज गिवन है, आपको कैपिटल गिवन है. जब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं और डेबिट साइड आपका बैलेंस कम आ रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे? गुडविल. अभी हम रीजन पढ़ेंगे कि गुडविल ही क्यों लिखा जाता है. और इन केस अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड आता है, अगर तो कैपिटल नहीं गिवन तो कैपिटल का बैलेंस ले लेंगे, और अगर आपको कैपिटल पहले ही क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व. अब हम गुडविल क्यों लिखते हैं? गुडविल का मतलब होता है कि किसी कंपनी को हमने ज़्यादा पेमेंट की और वो ज़्यादा पेमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस कंपनी की रेपुटेशन बनी हुई थी, उसके कस्टमर्स ऑलरेडी बने हुए थे, इसलिए हमको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी. जो ज़्यादा पेमेंट उनको कर रहे हैं वो गुडविल की वजह से ही है क्योंकि एक ब्रांड नेम इस्टेब्लिश हुआ है. इफ़ द प्राइस पेड इज़ मोर देन नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस एंड इज ट्रीटेड एज पेड फॉर गुडविल. अगर किसी कंपनी की एसेट्स हैं 1 लाख की और लाइबिलिटीज़ हैं 40,000 की, तो अल्टीमेटली हम इनको कितना पे करना चाहिए था? 60,000, दैट इज़ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. बट 60 की जगह अगर हम उनको 80 पे करके आ रहे हैं या 90 पे कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अमाउंट क्यों? क्योंकि इस कंपनी की रेपुटेशन बनी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल.
अगर इसका रिवर्स ले लें तो उसको हम कैपिटल रिजर्व कह देंगे। इसका मतलब होता है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए हमने थोड़े से पैसे कंपनी में बचा कर रखे हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई कंटीजेंसी अराइज होती है तो ये पैसा हम वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर? अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2019। आपको बैलेंसेस गिवन है एक ट्रेडर की बुक्स के, दैट इज़ ऑन 31 मार्च 2019। कैश का बैलेंस गिवन है बैंक स्टॉक डेटर्स बिल्डिंग फर्नीचर सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लोन फ्रॉम बैंक। पास अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव बैलेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 2019। और आपको बोला गया है कि आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब आपने एक सिंगल एंट्री पास करनी है नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल के लिए। सो 1 अप्रैल के लिए एंट्री पास करनी है, 2019 इज द ईयर 1 अप्रैल। अभी हमने पढ़ा जितनी भी एसेट्स होंगे उनका डेबिट बैलेंस होगा, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगे उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश एसेट है सो डेबिट बैलेंस आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 15,000। बैंक एसेट है, डेबिट बैलेंस आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 20,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000। डेटर्स एसेट है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 30,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 40,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000। फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 5,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एक लाइन यहाँ आपने हमेशा स्किप कर देनी है क्योंकि लास्ट में जब हम बैलेंस करेंगे तो अगर तो डेबिट साइड बैलेंस कम आता होगा तो उसको गुडविल लिखना है, तो उसके लिए हम स्पेस यहाँ छोड़ देंगे। सो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस लिख दिया विद रुपीज 15,000। बिल्स पेबल हैं, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा टू बिल्स पेबल 20,000। देन इट इज लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया है तो ये भी हमारी एक लाइबिलिटी हुई 25,000 की। सो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा टू लोन फ्रॉम बैंक, अमाउंट इज 25,000। सो जितनी भी एसेट्स थी उनका हमने डेबिट बैलेंस लिख लिया, जितनी भी लाइबिलिटी थी उसका हमने क्रेडिट बैलेंस लिख लिया। अब लास्ट में हमें बैलेंसिंग करनी है बिकॉज रूल हमें पता है डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। अगर हम डेबिट साइड देखें 15,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000, ये आपके पास टोटल बन रहा है 1,35,000। और अगर हम क्रेडिट साइड देखें तो ये आपके पास है 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, क्रेडिट साइड आपका बैलेंस कम आ रहा है, ये सिर्फ यहाँ बन रहा है 60,000। सो क्रेडिट साइड टोटल कम आ रहा है, जब क्रेडिट साइड टोटल कम आता है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और जिसकी जो अमाउंट होगी दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर। एसेट साइड का टोटल किया ये आ गया 1,35,000। इसमें से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर लेंगे, 1,35,000 में से 60,000 को माइनस किया तो कैपिटल का बैलेंस आपके पास आ गया 75,000, जिससे दोनों साइड इक्वल होगी 1,35,000 1,35,000, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट।
सो ओपनिंग एंट्री का टॉपिक बहुत इजी है, ये एग्जिस्टिंग फर्म के केस में होता है। आपको बैलेंसेस गिवन होंगी, आपको बस इतना करना है जितनी भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस लिख लेना, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनका क्रेडिट बैलेंस लिख लेना, और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती है तो उसको क्या लिखना है, कैपिटल। बट इन केस अगर आपको कैपिटल का बैलेंस पहले ही क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर को। और अगर यही बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड आती है तो यह हम क्या लिख देंगे, गुडविल अकाउंट। सो कंटिन्यू विद एग्जांपल नंबर टू ऑफ ओपनिंग एंट्री। पास एन ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2018। आपको 1 अप्रैल 2018 की ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए बोला गया है, और क्वेश्चन में आपको एसेट्स में कैश गिवन है, क्रेडिटर्स आपको गिवन है और कैपिटल गिवन है। जैसे हमने पहले पढ़ा, जितनी भी एसेट्स होंगी डेबिट बैलेंस, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस। सो फॉर्मेट में बना लिया, कैश एसेट है सो डेबिट में लिख लिया, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैं सो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, टू क्रेडिटर्स लिख लिया 25,000। कैपिटल लाइबिलिटी होती है सो क्रेडिट में लिख लिया, टू कैपिटल 2 लाख। और अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें सो डेबिट साइड आपका बन रहा है 1 लाख, क्रेडिट साइड बन रहा है 2,25,000। सो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है, डेबिट साइड। और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। और गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से आप डेबिट वाली अमाउंट माइनस कर दो, दैट इज 2,25,000 माइनस 1 लाख, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,25,000। जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से आप डेबिट वाली अमाउंट माइनस कर दोगे और जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी दैट विल बिकम गुडविल। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर थ्री, पास एन ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2017। आपको 1 अप्रैल 2017 की एंट्री डालने के लिए बोला गया है। एसेट्स में आपको गिवन है बिल्डिंग और कैश, लाइबिलिटीज में आपको गिवन है लोन और कैपिटल। सो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश और बिल्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 80,000, लोन लाइबिलिटीज है टू लोन अकाउंट 15,000, कैपिटल लाइबिलिटी है टू कैपिटल अकाउंट 60,000। और अगर हम इसका चेक करें तो आपके डेबिट साइड बन रहा है 40 + 80, 1,20,000। और अगर हम क्रेडिट में चेक करें तो ये बन रहा है सिर्फ 75,000। सो क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर क्रेडिट साइड बैलेंस कम आएगा तो हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल का बैलेंस पहले ही गिवन है, और इन केस अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस पहले गिवन हो फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। 1,20,000 में से 75,000 माइनस कर लिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई 45,000, जिससे डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल हो गया। सो ओपनिंग एंट्री में तीन केस हमने पढ़ लिए कि बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल कब लेना है, गुडविल कब ट्रीट करना है और कैपिटल रिजर्व कब लेना है। सो दिस वॉज अबाउट ओपनिंग एंट्री ऑफ चैप्टर जर्नल।